कर <laughs> <laughs> क्यों नहीं करूं हेलो नमस्ते आप सभी कैसे हैं हम और हमारी सासू माँ तो काफ़ी अच्छे हैं लाइक टॉम बॉय मेरी सासू माँ एंड देखो इधर कौन है मैंने इनको कब से बोला कि चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बट नो क्या बोलो अपने में इतने बिजी रहते हैं कि क्या ही वीडियो करना है तो यहाँ पर सासू माँ ने आ रही है मेरे को हेयर में ऑयल मतलब मेरी भी माँ ऐसी थी ना मम्मी कि सूखे बाल रहने देती थी।, थी मुझे फैशन क्यों करने दो और यहाँ पर भी वही हाल है सूखे बाल है तो क्यों है मतलब मेरे परेशान कर रखा है तेल लगाने के लिए <coughs> तो जंपिंग जंपिंग चल रही है मैं मिलती हूँ आपसे बाद में इस फालतू तो इंसान ना क्या ही बोलूं नॉट जंपिंग ये चंपिंग होता है ना आज हां सॉरी स्लीप आउट हो गया <laughs> तो जंपिंग जंपिंग ओह <laughs> गॉड oh

क्या सोच रहे, नहीं। क्या सोच रहे पता नहीं किस टेंशन में बट हम और माँ बिंदास रहते हैं ऑल द टाइम कुछ ना कुछ करते रहते बिजी रहते अपने आप को बिजी करते बट इधर पता नहीं क्यों क्योंकि ना मुँह इतना घटिया वाला फूल जाता है पता नहीं क्या समझ नहीं आता मुँह ने की होया हाँ जी तो आज हमारी सासू माँ ने बोला है कि आज लंच तुम पुलाव बना लो तो मैंने यहाँ पर सारे वेजिटेबल चॉप कर लिए हैं और देख रहे आप मैं यहाँ पर अब कुकर में सारे वेजिटेबल्स को डाल दी फ्राई कर रही इसमें हल्का फ्राई हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी नींबू डाल दूँगी उसके बाद इसमें मैं चावल दे दूँगी चावल दे के हल्का सा जस्ट एक मिनट के लिए फ्राई कर दूँगी उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा करके बंद करके दो सीटी लगाऊँगी मैं और ये मेरा पुलाव ईजी टू कुक बन जाएगा जल्दी से तैयार और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सीटी का मैं वेट कर रही हूँ सीटी लग जाएगा उसका मेरा पुलाव यहाँ पर तैयार है डिलीशियस पुलाव पुलाव तो काफी टेस्टी हुआ था तो माँ ने मुझे बताया जैसे कि आप आगे वीडियो में देखेंगे भी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा डिलीशियस पुलाव तैयार है बनकर माँ भी सोचेगी कौन सी बहू मिली जो वीडियो ही करते हैं एक चीज में सो <laughs> so, इस वक्त में हम लोग खा रहे हैं लंच, लंच कर रहे हैं माँ कैसा बना है पुलाव अच्छा बना है अच्छा बना है ठीक है मुझे भी अच्छा ही लग रहा है और um, कुछ खास नहीं सब बज रहे तीन और लंच कर रहे हैं चार बज गया है ना दस मिनट दे दिए और यहाँ पर तो सच बताओ जब से मैं आई ना मुझे दिन रहा तो कुछ खबर ही नहीं मिलता मतलब टाइम ऐसे ही कट जाता पता ही नहीं चलता है तो <laughs> एक्चुअली यहाँ क्या ना पूरा फ्लैट सिस्टम है तो फ्लैट सिस्टम ना मतलब पल्ले नहीं पड़ता और हम लोग उधर पूरा ग्रीन ने मतलब नेचुरल के नेचर के पुद साथ रह रहे मतलब क्या हो गया एकदम पम्बल हो रही वर्ड्स तो नेचर के साथ रहते हैं ऐसा होता ना कि मतलब कुछ दिन रात हर कुछ समझ में आता था बट यहाँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आती दिन से रात कब होगी रात से सुबह कब होगी तो यहाँ पर ऐसे ही चल रही है इस वक्त हम और मां खाना खा रहे हैं और ये गए सब काम से बाहर फिर आएंगे तो लॉग इन करेंगे तो फिर बाद में बात करते हैं उनके साथ हेलो जी आ, मैं फिर से आ गई हूँ एक्चुअली इस वक्त ना शाम के बज रहे साथ और घर में कुछ लोग आए थे मतलब एक आंटी आई थी तो उनसे बातें हो रही थी बहुत सारी हंसी मजाक हो रही थी तो काफ़ी लेट उनके साथ ही लग गया और बैठी थी तो सडनली याद आया कि अरे अरे मैंने तो वीडियो फिर अभी तक तो एंड ही नहीं किया है वीडियो का और आज ऐसा हुआ कि ये इतना बिजी है क्योंकि आज से छुट्टी ख़त्म होगी लॉग इन है आज तो जैसे कि लॉग इन करके अभी थोड़ा तो कुछ काम से बाहर गए वो आ रहे हैं क्योंकि ब्रेक टाइम हुआ है और चाय वाय तो मेरा सब कुछ तो हो गया मैं बैठी हूँ और मम्मी की थोड़ी सी मतलब माँ की तबीयत ठीक नहीं मतलब सास माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं मेरे पास में ही वो भी बैठी हुई है बैठी नहीं लेटी है और मेरे को मम्मी का वीडियो कॉल आया था बच्चे लोग झूला झूल रहे हैं सो स्वीट इतना क्यूट लग रहा था ना केशव मतलब पिद्दी सा तो केशव है और उसको क्या ना मतलब झूला झूल रहा है इतना इंटरेस्ट के साथ उसको इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि वो इसी ईयर इतना मतलब थोड़ा बड़ा हुआ है एक साल कुछ महीने का हुआ है तो इसी फर्स्ट टाइम वो झूला झूल रहा है तो उसको इतना इंटरेस्ट आ रहा है उसको जो भी कोई उतार रहा है ना झूला से रोने लग रहा है तो वो झूला ही झूले जा रहा है सिर्फ तो ये सब चीज़ें हैं तो बस आज का दिन कुछ खास नहीं गया बस नॉर्मल सा था बट बहुत अच्छा था कैजुअल में ही बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो को एव एव एंड कर दें क्योंकि एंड तो नहीं हुआ तो एंड करना भी जरूरी है तो बस यही बात है जब तो कुछ बात है नहीं तो so, वीडियो को यहीं पे एक क्लोज़ uh, करते हैं और जिन लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग ऐसे मेरी वीडियो को देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें फिर मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ तो कल का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो जरूर देखें